सभी ने ना दादा आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधती है, जो सभी बोलती है वो सच होता है, पर आप लोग वही मान लेते हैं। तो ये बात तो मैं भी तेरे बारे में कह सकता हूँ, सैम ने जो तुझे दुनिया दिखाई तूने उसको सच मान लिया ना, वो एक नंबर का नालायक लड़का है, उसकी फैमिली और सैम एक नंबर का झूठा नहीं है दादा। वो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया दादा, मैं जानती हूँ उसे, मैं समझती हूँ। हाँ हो सकता है उसे पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसे इतना मारेंगे। लोग उसके बारे में गलत गलत बातें करेंगे, बकवास करेंगे, और हद तो दादा आपने तब पार कर दी ना जब आपने उसे जेल भिजवा दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया आप लोगों ने दादा। दुर्वा वो एक नंबर का नशेबाज अय्याश और झूठा इंसान है। अरे तूने देखा नहीं उसके बाबा ने खुद एडमिट किया कि वो लोग इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, उसके बाद भी जो सैम को सपोर्ट कर रही है वो तो शुक्र मना सभी ऐन वक्त पर आ गई, उसने सारी असलियत खोल दी, सबके सामने उसकी पोल खोल दी, वरना तू जानती भी तेरे साथ क्या हो सकता था। तू सोच अगर शादी के बाद तुझे सारी चीजें पता लगती तो फिर क्या होता तेरा, फिर सभी तेरी भलाई चाहते। सभी 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 ओ माय गॉड, उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है दादा, नहीं समझ में आता आपको? आपको पता है वो बदला लेना चाहती है मुझसे, कान भरे उसने आपके सैम के खिलाफ, और आप तो बहुत समझदार है ना, फिर भी आप उसकी बातों में आ गए। तो सभी जो है ना और सभी जैसी लड़कियां जो है ना, मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ दादा, जब से मेरी जिंदगी में आई है ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, इतनी नफरत, सब कुछ छीन लिया मुझसे, कॉलेज में मेरा जो पोजीशन था वो भी छीन ली, घर में जो इज्जत और प्यार मुझे मिलती थी वो भी छीन गई, और अब सैम को भी खो दिया मैंने। दादा प्लीज मेरी बात सुनो ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत प्यार करती हूँ, तुम सभी के पास में क्यों आ गए, मुझे जान में क्यों दूर कर दिया दादा। मेरा बच्चा दादा, सारे दादा, सबूत तेरे सामने पेश किए उसके बाद भी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? बहुत हुआ, अकेले रहना है मुझे, जाइए आप लोग, चलो आप अकेले रहना मुझे, दुर्वा आप लोग चलो मुझे अकेले रहना है, नहीं बात करनी दुर्वा, सुनने आ गई किसी से नहीं बात करनी मुझे, किसी से बात नहीं करनी मुझे, किसी से बात नहीं करनी मुझे, किसी से बात नहीं करनी। क्या होता है ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिसे प्यार समझते हैं ना वो कभी कभी प्यार होता नहीं, वो इन्फैचुएशन होता है, आकर्षण। लेकिन दादा दिल तो टूटता है ना? ऑफ कोर्स टूटता है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द हल्का पड़ने लग जाता है। आज रीवा मुझे भूल गई होगी और मैं भी उसे भूल चुका हूं। अच्छा तो तुम मुझे भूल चुके really? अगर वाकई ऐसा है तो क्यों रह रहकर मुझसे बातें करते हो, क्यों अपने ख्यालों में मुझे ही पाते हो? पता है क्यों निशान? क्योंकि तुम मुझे इतना याद करते हो कि तुम्हारे जहन में वापस मैं ही, और कहती हूँ मुझे भूल चुकी। क्या हुआ दादा, कहाँ खो गए आप? एक मिनट, आपकी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं, बस वो आज जो कुछ भी हुआ ना शायद उसकी वजह से।